फाइनली अपनी बाइक स्टार्ट हो गई। इसके पहले बहुत ही मजबूत वाला कांड हो गया था, वो व्लॉग मैं आज के व्लॉग के बाद डालूँगा, ज़रूर से देखना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग रहेगा कि क्या हुआ था इसके बारे में, मेरी नंदी को क्या हो गया था थोड़ी देर पहले। तो कुछ ऐसा हो गया था कि वापस से मेरा एकदम दिमाग हट गया था। तो चलो वो सब चीज़ का बात मैं अगले व्लॉग में करूँगा, आज जिस चीज़ के लिए व्लॉग स्टार्ट किए उसके ऊपर बात करते एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ बिल्डिंग के बाहर, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको रोड पे डायरेक्टली। तो वेल वी आर ऑन हाईवे, तो टुडे इज 25 दिसंबर 2021। तो आप ये मेरी वीडियो कल देखेंगे तो भी आपको सबको मैरी क्रिसमस। तो आते हैं टॉपिक पे, क्या हो रहा है आजकल, जितना मुझे ये बाइक चलाने में मज़ा आ रही है उतना इसका इशू रिसॉल्व करने में उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी जो मेरे साथ में जो थोड़ी देर पहले हुआ था भाई, वो तो बताने लायक है, वो अगले ब्लॉग में देख लेना आप लोग। तो अभी फ़िलहाल आज जो जिसके लिए ये वीडियो है वो अपना हिमालयन के ऊपर है, जो अपना पिकअप ड्रॉप के बारे में मैंने मेरी पिछली वीडियो में बात किया था और हो कुछ अलग चीज़ हो गई थी। तो जैसे कि मैं हिमालयन के लिए एक नया यूज़र हूँ और मेरे जैसे बहुत होंगे जो कम सीसी बाइक के बाद डायरेक्ट हिमालयन पे जंप करते, वैसे मैंने कम सीसी बाइक्स नहीं चलाई थी, 350 सीसी क्लासिक ही थी, बट उसका जो थ्रॉटल रिस्पांस है और इसका जो थ्रॉटल रिस्पांस है पूरा दोनों डिफरेंटली अलग है। तो मैंने भी कुछ वो इशू फेस किया था, तो और मेरे ख्याल से बहुत लोग वो इशू फेस कर रहे हैं। जैसे अभी आपने फर्स्ट डाउन गियर डाउन किया, ठीक है, आपने सेकंड गियर डाला और जैसे आपने एक्सीलेटर किया तो बाइक उस तरह से परफॉर्म नहीं करती जिस हिसाब से आपने एक्सीलेट किया। तो उसका एक ट्रिक है जो हम मेरे ख्याल से जो नए हिमालयन ओनर्स है 2021 के BS6 वाले, उनको वो ट्रिक सीख लेनी चाहिए। और जैसे कि मैंने वो ट्रिक बहुत लोगों को बताई और वो काम भी कर गई, तो मैं चाहता हूँ कि वो ट्रिक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सब लोग यूज़ करें और सबको ये प्रॉब्लम से, मीन्स ये प्रॉब्लम नहीं है, एक ट्रिक है ये बाइक चलाने की, वो सब लोग सीख जाए। तो हिमालयन क्या है कि एक कम्यूटर बाइक नहीं है, ठीक है, ये अपन पहले ही क्लियर कर लेते हैं, ये डेली कम्यूटिंग बाइक नहीं है, ये आपको एडवेंचर टूरिंग करना है, टूर करना है या ऑफ रोडिंग करना है, जहाँ पे आपको एकदम इमीडिएट आपको बाइक उठानी है उस चीज़ के लिए ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। बट कैसा डेली ट्रैफिक के लिए, हाँ अगर आप ट्रिक सीख गए तो बहुत ही सिंपल है इसको चलाना। तो अभी तो फ़िलहाल इधर थोड़ा ट्रैफिक है, मैं जैसे ही मेरा काम ख़त्म करके रिटर्न आऊँगा ना तो आधे टाइम पर मुझे थोड़ा कम ट्रैफिक मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक आपको कैसे यूज़ करनी और क्या है वो ट्रिक, ठीक है, तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए। तो ये व्लॉग में एक बार घर पे पहुंच जाऊं, जो सामान मैंने लिया है उसको घर पे अच्छे से सही सलामत रख दूं, उसके बाद में मैं कंटिन्यू करता हूं। अभी मेरे पास यहाँ हैंडल पे है जो आप देख रहे हैं, इसमें एक फ़ोटो है बहुत बड़ी और बैग में दो कांच की बड़ी बड़ी फ्रेम्स है, तो उसको सही सलामत घर पर पहुँचा दूँ, उसके बाद में व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो वेल चलो सामान रख के आ गए घर पर, हालत ख़राब हो गई लेके आते आते, तो वो बात अलग रखते हैं, बात करते हैं हिमालयन का जो पिकअप ड्रॉप का इशू है या जो इंजन स्टॉल होता है, हम लोअर आरपीएम या कम स्पीड पे रहते हैं या सेकंड गियर पे कभी कभी इंजन स्टॉल होता है, झटका मारता है उसके ऊपर। तो इंजन स्पेक्स पे आते हैं, हिमालयन का जो इंजन है इट्स 411 cc का इंजन, प्लस ये जो मैक्स BHP प्रोड्यूस करता है वो है 24 BHP एट 6500 RPM पे, और जो इसका जो मैक्सिमम टॉर्क जो ये प्रोड्यूस करता है वो 32 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4000-4500 RPM के आसपास। तो बेसिकली हिमालयन इज़ नॉट अ बाइक की जो आपको लो RPM पे इंस्टेंट पिकअप देगी, उसका कुछ ट्रिक्स है वो जो अपने को यूज़ करना पड़ता है तो जाके वो आपको उस हिसाब से परफॉर्म करती है। बहुत लोगों ने, मतलब मैंने जब भी मेरा पहला रिव्यू का वीडियो डाला था हिमालयन के ऊपर तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, और जब मैंने बाइक ली थी तभी मुझे बहुत लोगों का कमेंट्स आया कि भाई आपकी बाइक स्टॉल होती है क्या या
रुकती है क्या बीच बीच में अचानक में, या ओवर हीट होके बंद हो जाती है। तो ओवर हीट होके बंद होने का तो एक अलग इशू है, और वो कंपनी भी क्लेम कर रही है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप अगर सर्विस सेंटर पर जाते हैं या आपकी कोई भी सर्विस है, तो आपको उनको बोलना है कि मेरा जो RPM है, आप बेसिकली कंपनी या कोई भी गाड़ी है ना, आपको RPM 1200 के आसपास में RPM सेट करके देती है। तो ये रॉयल एनफील्ड ने भी बोला है कि जिसको ये हम लोग जब तक ये इशू रिसॉल्व नहीं कर लेते, तो आप अपनी जो हिमालयन है उसका जो RPM है, अपने सर्विस सेंटर में जाके अराउंड 1300-1300 के आसपास आप वो RPM सेट करा लीजिए, जब तक वो इशू रिसॉल्व नहीं होता। तो कंपनी भी क्लेम कर रही है, बट ये सर्विस सेंटर वाले नहीं करते, बोलते सर आप चलाइए। तो ये आप कर लीजिए तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी, जो इंजन गर्म होके बंद हो जाता है या हाईवे पे किधर बंद हो जाती है, ट्रैफिक में बंद होती है। ओके, तो बात करते हैं अभी इंजन स्टॉलिंग के ऊपर। तो इंजन स्टॉलिंग के ऊपर ये जैसे ये बाइक है, ये मैं बेसिकली ये टॉकी इंजन है, तो आपको इसमें एक गेम खेलना होगा। ये आपकी इंजन कब स्टॉल नहीं करेगी, जब आप इसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ RPM पे रखेंगे। जैसे कि अभी आपने बाइक स्टार्ट की, ठीक है, फर्स्ट गियर पे आपने रखा, फर्स्ट गियर पे जा रहे, और ये बाइक को अगर आप प्यार से चलाओगे ना, तो ये आपको प्रॉब्लम देगी। आपको क्या करना है, जैसे आप अपना सेकंड गियर पे शिफ्ट करते, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर RPM इज़ अराउंड 2000-2500। ओके, तो आपको RPM 2000-2500 के आसपास रखना है, तब आपको गियर चेंज करना है। हिट इट हार्ड और मेक श्योर कि आपका RPM उसी पे रहे। अगर आपने वो RPM ड्रॉप करके, मतलब एकदम एक्सेलेटर नीचे रख के 1200 RPM के आसपास में आपने गियर चेंज किया, तो डेफिनेटली मैं कुछ भी बोलता हूँ, आपको ये गाड़ी पिकअप ड्रॉप देगी ही देगी। इसका एक ट्रिक है, वो आपको चलाते चलाते आपको ये सीखना होगा। जैसे मैंने सीखा, मुझे भी जब मैंने क्लासिक से मैं डायरेक्ट हिमालयन पे जंप किया, तो क्लासिक कैसे, हम नॉर्मल सिटी बाइक है, आप एकदम आराम से चला सकते हो, उसको कुछ इशू नहीं आता। बट जैसे ही इसको आप वही टेक्निक को आप अगर हिमालयन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये इशू या जो भी है, ये लोग ने इस हिसाब से ट्यून किया इंजन को, ये हिमालयन 2021 BS6 में ही आ रहा है। जो पुरानी हिमालयन है उसमें एक अलग से वो लोग ने जो आइडियल कंपोनेंट, मतलब जो आइडियल RPM आप सेट कर सकते हो वो अलग है, और ECU का सिस्टम अलग है। बट ये बाइक में वो लोग ने दोनों कंपेयर कर मिक्स करके एक ही यूनिट में वो कर दिया है। तो वो थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है, उसमें अपने को जाने का कुछ हम, मतलब एज अ लेमैन आपको सिर्फ आपके RPM से और गियर शिफ्टिंग के टाइम पे गेम खेलने आना चाहिए। वो जहाँ आपने सीख गया ना, तो आपका मैं 110-200% बोलता हूँ कि आपको ना इंजन स्टॉलिंग की इशू आगी, ना पिकअप ड्रॉप की इशू आगी। हाँ, ट्रैफिक में बहुत लोग बोलेंगे यार कैसे होगा, बट आप एक बार वो ट्रिक लर्न कर गए ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपकी बाइक भी बंद नहीं होगी। तो एक बार मैं फटाक से कैमरा माउंट करता हूँ सब जगह, और आपको बताता हूँ कि आपको कैसा क्या करना है वो चीज़। ओके, मिलता हूँ मैं जैसे माउंट कर लूँ उसके बाद। तो ये भी कैमरा माउंट हो गया, थोड़ा रिस्की पोजीशन से है। एक कैमरा मेरा यहाँ पर है जो आपको RPM शो करेगा, एक कैमरा यहाँ पे है जो गियर का फुटवर्क बताएगा आपको क्या है कैसा है। तो चलो बाइक स्टार्ट करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, होपफुली ये वीडियो बनाते बनाते मैं मेरे कैमरों की आहुति ना दे दूँ। ओके, तो यो हैंड अप, मैं न्यूट्रल में डालता हूँ गाड़ी। ओके, तो यस दी बाइक स्टार्टेड, तो बाइक स्टार्ट हो गया, फर्स्ट गियर। ओके, फर्स्ट गियर आपने लिया, तो मेक श्योर कभी भी आपको ये बाइक को एक्सेलरेट करना है ना, टेक इट अराउंड 2000 RPM और 2500 RPM, सिर्फ दी क्लच। ओके, इट विल वर्क परफेक्टली। देखा, अगर आप ये गियर, अभी देखिए ये मेरा गाड़ी है फर्स्ट गियर में। ओके, नाउ इज इन द फर्स्ट गियर। एक अगर आप इसको यहीं पे करते हो ना, तो आपको वो हिसाब से पिकअप नहीं मिलेगा, बट टेक इट अराउंड 2000 RPM। ठीक, हिट करो आप
फिट करना है ना आपका गियर का, फर्स्ट गियर आपने लिया, टेक इट टू सेकेंड गियर, मेक श्योर आप कभी भी अपना गियर चेंज कर रहे हैं ना, गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं 2000 आरपीएम के ऊपर ही, 3000 पे भी अगर आप शिफ्ट करते हैं ना गियर, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको आएगा। ये मैं आपको अभी देखो सेकेंड गियर चेंज करता हूँ, नाउ आई एम ऑन फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर नॉर्मल, अभी नॉर्मल बाइक अपन गियर चला जाए ऐसा, सेकेंड गियर डाला तो ये मुझे वो पिकअप नहीं देगा जिस हिसाब से मेरे को पिकअप चाहिए, और आपकी गाड़ी कभी भी ऐसा वो हिसाब से पिकअप नहीं ले पाएगी। तो मेक श्योर यू हिट योर गियर एट 5000-4000 पे भी अगर आप लेके जाके हिट करते हो ना आपका एक्सीलरेशन, तो जो आप 4000 rpm या 3000 rpm का गियर चेंज करते हो, आपको कभी भी स्टॉलिंग का इशू नहीं आएगा, कभी भी आपका पिकअप ड्रॉप नहीं होगा। ओके, यही अगर आप इससे करेंगे, देखिए थर्ड गियर पे अगर आप लेके जा रहे हैं एंड लेट दी आरपीएम गो बिलो 2000, अभी देखिए वो पिकअप लेने में कितना टाइम ले रहा है गाड़ी, बट यही अगर देखिए अभी ये मैं इसको रखता हूँ 3000 rpm पे, सी इट गोज लाइक अ रॉकेट, देखो मैंने कभी भी जो भी गियर चेंज किया ना मैंने अबाउट 3000 rpm पे चेंज किया, तो ये मत सोचना कि मैं अगर गाड़ी का हाई गियर में गियर चेंज कर रहा हूँ तो मेरे गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं भाई, ये गाड़ी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आपको इसको हार्ड हिट करना है, इसको आप प्यार से एकदम बच्चे का चलाओगे ना तो ये गाड़ी आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स ही नहीं देगी जिस हिसाब से इसको बनाया गया है। यू ऑलवेज हैव टू रेव इट सो हार्ड, 5000 rpm में मैंने गियर चेंज किया, ना मुझे गियर का साउंड आया ना मुझे कुछ आया, कोई इशू नहीं आया। इस हिसाब से आपको गियर चेंज करना है और आपकी गाड़ी को वॉक करना है। होप मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आया हो, मेरा गाड़ी ट्रिप एफ पे आ गया, मगर अभी तक तो पेट्रोल था, या ट्रिप एफ पे जैसे आ गया। देखो ना अभी एक और बार मैं दिखाता हूँ, थोड़ी देर में ना तो ये सर्विस चेंज ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट गियर, ओके, गियर चेंज, पिक इट अप, अबाउट 2500 rpm, लेके जाओ चेंज करो, ये ट्रिक आप सीख गए ना आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रैफिक में भी आपको क्लच और आपका एक्सीलरेशन का गेम खेलना है तो आपकी गाड़ी नहीं बंद होगी उसमें। इसका जो ECU डिज़ाइन किया गया है वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, आपको इसी हिसाब से गेम खेलना पड़ेगा आपकी गाड़ी के साथ में। तो होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना मुझे। तो आप बताना ये ट्रिक ट्राई करना है, अगर आपको पिकअप ड्रॉप या इंजन स्टॉलिंग में इश्यू आ रहा है ये ट्रिक आप ट्राई करो, देखो वीडियो, ट्रिक समझो कैसा आपको गेम खेलना है क्लच और एक्सीलरेशन के बीच में, आरपीएम के बीच में, और तब आप जब एक बार वीडियो पूरी देख लो आप जाओ ट्राई करो, आप थोड़े दिन चलाओ, अगर आपको कुछ इफेक्ट लग रहा है गाड़ी में, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई तो आप वापस से मेरे वीडियो पे आना, वीडियो का एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, कुछ भी टेक वाले या इशू वाले वीडियो है वो मैं लाता रहूँगा जब तक मेरे पास हिमालयन है और वो मेरे साथ में लाइफ टाइम रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको निकाल दूँगा या इसमें इतने इशू है, आई हैव अ मोटरसाइकिल, आई हैव टू मोटरसाइकिल्स विच आर मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल आर रनिंग परफेक्टली। तो चलो ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो चैनल को, ओके। तो मैं कमलेश डैड एंड फील कपल साइनिंग ऑफ, बाय बाय, कैमरा निकालूँ डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए, ओके बाय।